हेलो यूट्यूब गाइस, दिस इज़ विनोद कुमार और एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आपको आज आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग अपनी बाइक में प्रॉपर पेट्रोल कैसे डलवा सकते हो। वैसे पेट्रोल डलाना कोई आसान काम भी नहीं है और बहुत मुश्किल काम भी नहीं है। तो आसान काम तो बोले तो जाके सीधा 100, 200, 300 का डलवा लो, ये आसान काम है। और मुश्किल काम ये है कि 100, 200, 300 का डलवाने के बाद आपको कैसे पता लगे कि आपका पेट्रोल पूरा आया है, तो ये है मुश्किल काम। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि प्रॉपर आप पेट्रोल कैसे डलवा सकते हो जो कि आपके साथ कोई फालतू का मतलब स्कैम ना हो। तो उसके लिए चलिए फिर मैं बताना शुरू करता हूँ। और ये बताना ज़रूरी भी है क्योंकि आजकल पेट्रोल बहुत महंगा है, 90 रुपये लीटर हमारे स्टेट में। बाकी आप अपनी अपनी स्टेट में कमेंट कर देना क्या क्या है, जैसे मुझे लग रहा है कहीं कहीं सेंचुरी लगी हुई है, तो बता देना। चलिए फिर सीधा चलते हैं वीडियो के टॉपिक पर। तो सबसे पहली बड़ी बात कि आप लोग पेट्रोल डलवाते कहाँ से हो। तो अगर आप लोग ब्लैक में पेट्रोल डलवाते हैं तो वहाँ तो 110-120 रुपये लीटर मिलेगा, लेकिन प्रॉपर नाप के मिलेगा, ठीक है। अगर आप पेट्रोल पंप पे डलवाते हो तो पेट्रोल पंप पे डलवाने का तरीका ये है कि आप लोग सबसे पहले पेट्रोल पंप पे जाइए, और जाने से पहले आप लोग अपनी जेब में कम से कम 20 या 23 रुपये, 25 रुपये या 26 रुपये ऐसा कुछ चेंज रखिए। और जब भी रखिए और कोशिश करिए कि 100 रुपये, 50 रुपये का पेट्रोल मत डलवाइए, सीधा डलवाइए टंकी फुल एक बार में। टंकी फुल कराने से होता ये है कि आपका जो आपने जो भी मतलब पेट्रोल डलाया है वो एकदम एक्यूरेट प्राइस पे नहीं जाएगा, मतलब एक राउंड फिगर वाले प्राइस पे नहीं जाएगा। जैसे आपने 200 बोला तो 200 का पेट्रोल डाला, 400 बोला तो 400। अगर आप टैंक फुल कराओगे तो वो जाएगा सीधा 765, 555, 580, 592 ऐसे जाएगा। तो इसमें ये होगा कि जो उन्होंने अपने मीटर पे जो रीडिंग सेट की होती है कि अगर 200 डाला तो फिर मीटर बड़ी स्पीड से 200 पे पहुंचता है, 100 डाला तो बड़ी स्पीड से 100 पे पहुंच जाता है, तो ऐसा वो आपके साथ नहीं होगा, वो मीटर प्रॉपर चलेगा, ठीक है। और दूसरा तरीका, जो ये पहला तरीका था, दूसरा तरीका ये है कि जो मैं यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, आप पेट्रोल कभी भी राउंड फिगर में मत डलाइए। एक तो आप पहले टैंक फुल कराइए, दूसरा अगर आपके पैसे नहीं है तो राउंड फिगर मत डलवाइए। जैसे कि मैं कभी भी, आप मुझे दिखाऊंगा मैं किसी ने आपको ब्लॉगिंग उसमें, तो मैं कभी भी पेट्रोल को 200, 300, 500, 800 ऐसे नहीं डलवाता, सीधा सीधा 199, 99, 101, 120, 121 रुपये, 299, 399। मैं ज़्यादातर करके 99 करके डलवाता हूँ, 1 रुपये मैं उसको दे देता हूँ, लेकिन 1 रुपये के चक्कर में मेरे कम से कम 60-70 रुपये का पेट्रोल बच जाता है। तो आप लोग इस वाले तरीके का इस्तेमाल भी कर सकते हो। और तीसरा जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा था अभी, कि अपनी जेब में कम से कम 20-25 रुपये लेके चलना है। और 20-25 रुपये लेके चलोगे और 200 रुपये का डलवाने के बाद, 200 रुपये का आपने उसको बोलना ही नहीं, आपने सीधा जितने भी आपकी जेब में चेंज है, चेंज प्लस आप अपना 200 रुपये जोड़ के बोलेंगे, जितना रुपये भी हुआ वो आपने उससे डलवा लेना है, और उसको आपने चेन देनी नहीं, चेन का झिकझिक बहुत करेगा वो। तो कुल मिला के तीनों पॉइंट में मैंने यही आपको बताया कि पेट्रोल मतलब कि वहाँ पे आपने कभी भी राउंड फिगर में नहीं पेट्रोल डलवाना है। अगर आप राउंड फिगर में डलवाते हो तो सबसे बड़ी गलती है और सबसे पहले आप धोखा खाओगे। और कोशिश करो कि एक ट्रस्टेड पेट्रोल पंप रखिए, ट्रस्टेड इसे बोलते हैं जहाँ आप बार बार जाते हो, तो एक वो रखिए और वहीं से डलवाइए बार बार। और हर बार जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ये ट्रिक से डलवाइए तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो मुझे लगता है वीडियो में काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा और काफ़ी कुछ समझने को भी मिला होगा। तो इसी बात पे आप लोग चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो कर दो लाइक अगर अच्छी लगी है। और मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बेल आइकन भी दबा लेना।